कोम्बिया गैंग ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के लोगों को पंजाब में आमने सामने लाकर आकर लड़ने की चुनौती दे दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंग के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और अब तो बम्बिया गैंग खुलकर लॉरेंस गैंग को चुनौती दे रहा है कि उसके गुर्गे अगर पंजाब में आए तो वो बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही बम्बिया गैंग ने कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बराड़ को भी पंजाब आने के लिए चैलेंज किया। बम्बिया गैंग ने यह धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जिसमें कहा गया कि अगर गोल्डी बराड़ को अपने भाई की हत्या का बदला लेना है तो वो पंजाब आ जाए। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ और उसके साथी बम्बिया गैंग के निशाने पर हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ पर ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है और ऐसा उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। क्योंकि कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या बम्बिया गैंग ने ही करवाई थी और गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई के हथियारों को सिद्धू मूसेवाला ने ही पनाह दी थी, जिसके बाद बम्बिया गैंग। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनके साथ सिद्धू मूसेवाला भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ गए। कहा जाता है कि कनाडा से ही गोल्डी बराड़ ने ऐसी साजिश रची कि 29 मई को मानसा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस साजिश में गोल्डी बराड़ को लॉरेंस गैंग का भी साथ मिला। इसके साथ ही गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का भी नाम इस हत्याकांड में आया। कहा जाता है कि बम्बिया गैंग इस हत्याकांड से जुड़े एक एक आदमी से बदला लेने की तैयारी कर चुका है और इसीलिए उसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोगों को खुली धमकी दे दी। और कहा जा रहा है कि बम्बिया गैंग की यह धमकी कोरी धमकी नहीं है, बल्कि उसने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके बाद पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ रोज पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया था कि पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमला हो सकता है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जताई गई कि बम्बिया गैंग इन दोनों की जेल में भी हत्या करवा सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद पंजाब पुलिस ने दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि पंजाब पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया दोनों में किसी पर भी हमला हुआ तो बड़ी गैंग वॉर छिड़ जाएगी। यही वजह है कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। लेकिन अब बम्बिया गैंग की गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को दी गई नई धमकी ने पंजाब पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया।